नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल के न्यूज में। चंद्रयान 2 जाने कितने हैं इसरो चीफ और मिशन लीडर के सिवन की सैलरी। विक्रम लैंडर का संपर्क इसरो से टूट गया है और शनिवार तड़के जब ये खबर आई तो इसके बाद कई लोग मायूस हो गए। सबसे ज्यादा अफसोस इस मिशन के लीडर और इसरो चीफ के सिवन को हुआ। सिवन ने जनवरी 2018 में इसरो चीफ का जिम्मा संभाला था। इसरो चीफ सिवन जो चंद्रयान 2 के साथ एक नई प्रेरणा बन गए हैं। क्या आप जानते हैं कि इन्होंने कितनी सैलरी मिलती है? आइए आज हम आपको बताते हैं। इसरो के चीफ सिवन और यहाँ पर कई मिशन के लिए काम कर रहे हैं बाकी साइंटिस्ट की सैलरी कितनी है। इसरो चीफ की IS बराबर रैंक। इसरो चीफ के तौर पर सिवन को हर महीने करीब 2 से 5 लाख रुपए की सैलरी मिलती है। इसरो चीफ को एक IS या IPS वाला ओहरा हासिल होता है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो पिछले कई दशकों से देश का गौरव बना हुआ है। दुनिया भर में इसकी एक अलग ही प्रतिष्ठा है। चेयरमैन से अलग इसरो के बाकी वैज्ञानिकों करीब 55,000 से लेकर 90,000 तक की सैलरी मिलती है। इसके अलावा उनके काम के घंटे भले ही सुबह 9 बजे से लेकर 7 बजे तक हो, लेकिन इतने समय में इन्होंने कई चुनौतीपूर्ण मिशन का खाका तैयार कर देते हैं। कई जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं सिवन। इसरो चेयरमैन के सिवन पर गठन को लेकर कई अहम जिम्मेदारियां भी हैं। इन्हें यह सुनिश्चित करना होता है कि हर विभाग में कामकाज सही तरह से चलता है। स्पेस कमीशन की नीतियों को लागू करने के अलावा विद्युत और प्रशासनिक जिम्मेदारियों को भी पूरा करना सिवन का ही काम होता है। सरकार की ओर से तय बजट में हर प्रोजेक्ट को पूरा करना इनके लिए बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण है। हर जानकारी का रिकॉर्ड, हर मिशन को समय पर पूरा करना और तय सुरक्षा मानकों के साथ इसे आगे बढ़ाने में उपयोग के बारे में तय करना भी इसरो चीफ की जिम्मेदारी का हिस्सा होता है। देश की सुरक्षा से जुड़े हर राज को सुरक्षित रखना इसरो चीफ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उन्हें इसके अलावा इन माध्यमों को तलाशना होता है जिसके जरिए देश रिसर्च और आविष्कार के क्षेत्र में मजबूत बन सकें। अपने कार्यालय में हर अहम जानकारी का रिकॉर्ड सुरक्षित रखना भी इन्हीं की जिम्मेदारी का हिस्सा होता है। जनवरी 2018 में बने चीफ सिर्फ इसरो चीफ ही किसी सैटेलाइट एक साथ अंतरिक्ष में भेजने में भी इसरो की मदद कर चुके हैं। इसरो चीफ मानते हैं कि असफलताओं के बाद भी आप एक सकारात्मक सोच के साथ चुनौतियों का सामना कर सकते हैं।